أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو میں ہوں محسن رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 24/7 ٹیچرز آن لائن یوٹیوب چینل دوستو ہماری بزنس فائنینس کی کلاس چل رہی ہے اور آج اس سیریز کا ہمارا 18th لیکچر ہے دوستو آج کی کلاس کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से क्या मुराद है और इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि हम ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर भी हमने बहुत अहम टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से बात की थी। हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट से क्या मुराद है और डिफरेंट जो हमारे पास टाइप्स हैं इंटरेस्ट रेट की, जिसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट है, जिसमें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, उसको हमने देखा। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एग्जांपल्स ये कैलकुलेट करना भी सिखाए। आखिर के अंदर आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी, मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्तों ने वो एक्सरसाइज जो है कर ली होगी और इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे और जो एक्सरसाइजेस मैं आपको देता हूँ वो साथ के साथ अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिजनेस फाइनेंस की अच्छे से समझ भी आएगी। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ और आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या है, इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम एग्जांपल के जरिए पढ़ेंगे और आखिर के अंदर आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू को कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू विच इज टूडेज वैल्यू, कि आज की आपकी जो वैल्यू है किसी भी चीज की वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 100 रुपया है और उसकी जो वैल्यू है वो भी 100 रुपया है, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। या हमारे पास एक मोबाइल फोन है जो कि हमने 4000 रुपए का खरीदा था, तो आज जो है उसकी 3000 रुपए का वो बिकता है, तो 3000 रुपए जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम दो देख लेते हैं। सपोज यू इन्वेस्ट RF 100 एट 10% इंटरेस्ट रेट फॉर द ईयर 1, आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट बिकम 110। दिस RF 100 विच यू इन्वेस्ट टूडे इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, कि हमने जो 100 रुपया आज की डेट के अंदर इन्वेस्ट किया था बैंक के अंदर, जिसके ऊपर हमें 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलना था, 1 साल के बाद वो हमारे पास 110 हो जाएंगे, तो ये जो 100 रुपीज है दैट वी वांट टू इन्वेस्ट इनटू द बैंक दैट इज अवर प्रेजेंट वैल्यू फॉर 100 रुपीज। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू। अब हम फ्यूचर वैल्यू को देख लेते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। द नेम इज ऑल्सो रिप्रेजेंट, कि इसका जो नाम है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूचर आने वाले वक्त के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज द अमाउंट विच एन इंडिविजुअल विल गेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि एक खास टाइम पीरियड गुजरने के बाद आप जो अमाउंट हासिल करेंगे उसको हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने मोबाइल जो है वो 4000 रुपए का खरीदा है और 1 साल गुजरने के बाद वो हमारे पास जो है अब 5000 रुपए का बिक रहा है, तो 5000 जो है वो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। या जैसे हम कहते हैं कि मेहरान गाड़ी जो है वो हमने 4 लाख की खरीद की थी, अब नेक्स्ट ईयर जो है ड्यू टू द इन्फ्लेशन उसकी प्राइस जो है वो अब 5 से 7 लाख हो गई है, तो 7 लाख जो है वो अमाउंट हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल वही पुरानी है। सपोज यू इन्वेस्ट आर एफ
100 at the 10% interest rate for the 1 year. After 1 year, you will receive the 110 rupees from the bank. This RF is represent the present value, and the 110 will also represent the future value. ये 110 रुपए जो हैं, ये हमारी फ्यूचर की वैल्यू है। दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने फ्यूचर वैल्यू को विद इन डिटेल देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर देखा कि कैसे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखा कि कैसे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने कंटीन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखा कि कैसे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेसिफिक हमारी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर होगी। हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम बढ़ते हैं जी अपनी प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, वो हम देख लेते हैं। इन अदर वर्ड, द अमाउंट वन वुड need to invest today at some predetermined interest rate to get some desired amount in future is the present value of the desired money. कि हम मतलब कुछ interested है कि हमें कुछ predetermined interest rate मिल जाए, तो आज की date में हम जो investment करेंगे उसको हम present value कहेंगे. The interest rate to be paid up फ्रंट ऑन द लोन इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब ये जो हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट के ऊपर या प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और एक्चुअल अमाउंट लोन इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है इसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। यू हैव इन्वेस्ट सम रुपीस इनटू द बैंक। हम बैंक के अंदर कुछ पैसे रखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर, पहला साल गुजरने के बाद, बैंक विल गिव यू आरएफ 105 एट 10% रेट। कि बैंक जो है वो 105 रुपए आपको देता है 10% रेट के ऊपर। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि आज उसकी क्या वैल्यू है। तो बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज करना है, पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + i^n। तो यहाँ पे हमारे पास पीवी दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू विच वी आई हैव डिस्क्राइब यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर। एफ वी रिप्रेजेंट द फ्यूचर वैल्यू और आई रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर। अब देखें हमारी इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमारे पास 105 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10 है और नंबर ऑफ ईयर जो है इस इन्वेस्टमेंट के वो हमारे पास 1 है। तो अब हमारे पास, हमने इस क्वेश्चन में से ये सारी चीजें निकाल ली हैं, तो अब हम इसको अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + i^n। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है वो 105 है डिवाइडेड बाय 1 फॉर्मूले के साथ है, प्लस 10 जो है ये 10% है जो कि इंटरेस्ट रेट है और उसकी रेव टू दिपार 1 है। तो 10 की जब हम परसेंटेज खत्म करेंगे तो हमारे पास 1.10 आ जाएगा। इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.10 आ जाएगा और उसकी रेव टू दिपार 1 आ जाएगी। जब किसी भी चीज की रेव टू दिपार 1 हो तो वही हमारे पास जवाब आ जाता है। तो यहाँ पे हम 105 डिवाइडेड बाय 1.10 आ जाएगा। तो जब हम 105 को तकसीम करेंगे 1.10 के साथ तो हमारे पास जो आंसर है वो 95.45 आ जाएगा। ये हमारी इस एग्जांपल की प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि हम 95 रुपए आज अगर बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और बैंक हमें जो है वो 10% डिस्काउंट इंटरेस्ट देता है तो हमारे पास एक साल गुजरने के बाद हमारे पास 105 रुपए होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है हम लोग अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।
दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम की टू सक्सेस है। इसके ऊपर मैंने एग्जाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड किया है, मिड टर्म हो चाहे फाइनल टर्म हो। तो आप उस चैनल को भी जरूर विजिट करें और वहां पे जो कंटेंट अवेलेबल है आपके मिड टर्म के हवाले से या फाइनल टर्म के हवाले से, आप उससे भी फायदा उठाएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और आप जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लें क्योंकि अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं जो आप लोगों ने खुद से करनी है। सपोज यू नीड आरएफ 1000, हमें 1000 रुपए की जरूरत है टू बाय आर टेक्स्ट बुक, हमने एक किताब खरीदनी है नेक्स्ट ईयर अगले साल, एंड यू कैन अर्न 7.5% ऑन योर मनी और हमें जो है वो 7.5% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच डू यू हैव टू पुट अप टूडे, आज आप कितने पुट करोगे, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फैक्ट बुक इन द क्वेश्चन, हमने जो है इस किताब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पर्सन नीड आरएफ 2 लाख टू पे देयर लोन आफ्टर 5 ईयर, एक बंदे ने अपने लोन की अदायगी करनी है, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है 5 साल के बाद। ही डिपॉजिट सम अमाउंट इन टू द बैंक और बैंक ऑफर 16% रेट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बैंक जो है उसे 16% देता है। फाइंड आउट द अमाउंट दैट द पर्सन विल डिपॉजिट इन टू द बैंक, हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो पर्सन जो है बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हम यहीं पे अपनी वाइंड अप करेंगे और जल्दी से देख लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा प्रेजेंट वैल्यू को, हम लोगों ने देखा फ्यूचर वैल्यू को, हम लोगों ने एग्जाम्पल की मदद से इनको कैलकुलेट करना भी सीखा। तो दोस्तों हम यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं। आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस का, और कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो या लेक्चर आए तो वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली बिजनेस फाइनेंस की क्लास में, उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।